बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। और माशाल्लाह से एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। और आज इस्लामाबाद का जो वेदर है वो काफ़ी गर्म है और धूप निकली हुई है और मैंने लगाई हुई है मशीन। और सुबह नमाज कुरान करने के बाद मैं छत पे आ गई थी और मशीन लगाई, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए, फिर मैंने कपड़े धोए और जी रूटीन के मुताबिक मैं जो है ना कपड़े धोने के साथ साथ मैंने वॉक की। मिठाई जी बहुत दूर से हमें गिफ्ट आया था और माशाल्लाह से ये खालिस दूध से बनाई गई थी और मैंने इतनी अच्छी और खालिस बर्फ़ी पहले कभी नहीं खाई और ये इतनी रिच थी कि इसका हाफ पीस भी बड़ी मुश्किल से खाया गया। और आज जो है मेरा देसी घी वो ख़त्म हो गया है तो मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे देसी घी। जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जी गर्मी का बीज किस किस को पसंद है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी जो है ना ये थोड़ा घिमा सा है और इसको मैं एक मिनट के लिए ओवन में गर्म करूँगी और ओवन में गर्म होने से ये माशाल्लाह से बड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और बड़ा मज़े का लगेगा। आप देसी घी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आटा और गुड़ ऐड कर दें तो उससे देसी घी जल्दी बनता है। आटा डालने से ये होगा कि जो लस्सी वगैरह है वो आटा पी जाता है और उससे हमारा देसी घी जल्दी रेडी होगा। और देसी घी आप बच्चों को ज़रूर पराठों वगैरह पे और वैसे घी शक्कर बना के दिया करें, यह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। और यहाँ पर हम लाए थे वाइट चौंसा, वाइट चौंसे का जो शेक है वो हमें बहुत पसंद है और इसका हम शेक बनाएँगे। ये जी मैं गई थी रूम में बेटे का फीडर लेने तो यहाँ पे उसके टेडी बियर जो है ना वो फीडर पी रहा था। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रो रहा था तो फिर मुदसर जो है ना उसने इसको फीडर पकड़ा दिया। और मैंगो शेक बनाने से पहले मैंगो को मैं एक घंटा पहले फ्रीज़र में रख देती हूँ, उससे ये हो मैंगो शेक हमारा बड़ा मज़े का थिक और चिल रेडी होता है। Thank you।
यहाँ पे मैं जो है ना अंजीर दूध में ओवरनाइट भिगो के रख दूँगी। ये आप ख़ुद भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, इससे जो है ना खून की कमी पूरी होगी। और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़े का थिक डिलीशियस सा मैंगो बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैं सर्व करूँगी। और यहाँ पे देसी घी मेरा रेडी हो चुका है, अब इसको मैं ठंडा करके स्टोर कर लूँगी। और आज जी लंच में मैंने बनाया था आलू को, जो कि बहुत ही मज़े का बना। और ये जी आज भी हमने तंदूर से रोटियाँ लगवाई जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। जी सूरज ग़ुरूब होने का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और ये देखें माशाल्लाह से अंजीर कितनी अच्छी फूल गई है। अगर बच्चों को वैसी नहीं पसंद तो आप उनको इसकी आइसक्रीम भी बना कर दे सकते हैं। माशाल्लाह से डिनर में मैं बनाया था चना पुलाव जो कि बड़ा ही मज़े का बन के रेडी हुआ। मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप फ्रेंड्स को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।